गाजा में अस्पताल पर हमला, पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद मज़म्मत। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद शहीद हुए, अस्पताल में जख्मी और पनागजीन मौजूद थे। हमला गैर इंसानी है, कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। सिविल आबादी और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। आलमी बरदरी इसराइली बमबारी रोकने के लिए हंगामी इकदाम उठाए, तर्जुमान दफ्तर खारजा। कुछ भी हो जाए, इंतखाबात कराना होंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत तायन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होगा। 90 दिन से ज़ायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी है, अब आगे बढ़ना होगा। हमें 90 का पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 का। मुल्क को ऐसी नई क़यादत की ज़रूरत है जो माजी में फंसी ना हो। नफरत, तकसीम, गाली की रिवायत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब, इलेक्शन डेट के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनियों से भी इशारे यकजहती। निहत्ते आवाम को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम और वजीर खारजा को बोलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को 4 बार इकतदार से निकाला, मुल्क को बहरानों का शिकार किया। मुल्की मसाइल का हल किसी के पास है तो बता दे, नवाज शरीफ जैसा कोई है तो सामने आए। नून लीग पाकिस्तान को वहीं लेकर जाएगी जहां 2017 में था। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हमारे मुखालिफिन निभाव में डालते हैं, कहते हैं कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे नवाज शरीफ ने पहले किया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।